नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माई रीजनिंग यूट्यूब चैनल। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम इस समय रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने यूट्यूब पर हमारी रीजनिंग की क्लास 48 तक अपलोड कर दी है। हम क्लास नंबर 39 पर है दोस्तों, और चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्लास नंबर 39 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। दोस्तों, अपने सेशन की शुरुआत करने से पहले हम आपके मोटिवेशन के लिए शायरी लेकर के आए हैं। इसमें दिया है दोस्तों कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना। दोस्तों, आप अपने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छे हो, आप पढ़ाई में बहुत प्रयास करने के बाद आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हो। दोस्तों, उस लक्ष्य से आप कभी भी घबराना नहीं। जिस प्रकार आपने अनेक मुश्किलों का सामना करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया है, उसी प्रकार आपको कुछ समय और लगेगा, कुछ तकलीफ और झेलनी पड़ेगी अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपनी मंजिल से रास्ता नहीं मोड़ना। जिस तरफ आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हो, उस रास्ते को कभी छोड़ना नहीं। कितनी मुश्किलों का सामना करके आप अपने मुकाम तक पहुंचे हो, लेकिन ये आप ही जानते हो, लेकिन आप कभी भी उनसे पीछे मत हटना। आगे दोस्तों, जो भी मन में सपना हो वो सपना न तोड़ना। अरे, आपके मन में जो कुछ भी पाने का सपना है, आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उस सपने को कभी मत तोड़ना। एक दिन उसको साकार जरूर करना, लेकिन उन मुश्किलों का आपको सामना करके और थोड़ा सा आगे बढ़ने की और ज़रूरत है, लेकिन कभी भी अपना सपना मत तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि इस जीवन में बने मेहनत किए हुए किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता, बिना मेहनत किए हुए किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। मेहनत का ही फल कहते हैं ना, मीठा होता है। तो लगातार दोस्तों आपको अपने मुकाम तक बढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, छोटी से बड़ी मुश्किलें आएंगी, फिर उससे बड़ी मुश्किलें आएंगी, फिर उससे बड़ी। जैसे दोस्तों, जैसे आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे, बड़ी से बड़ी मुश्किलें आती जाएंगी, आपको सब मुश्किलों का सामना करके लगातार अपने टारगेट तक पहुँचने हैं। बस आपका तो एक ही मन में विश्वास होना चाहिए कि मुझे कैसे करके अपने टारगेट तक पहुँचना है, चाहे मुझे कितनी ही समस्या का सामना करना पड़े, लेकिन मैं एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचूंगा और अपना नाम कमाऊँगा। बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। सितारे, सितारे का मतलब होता है दोस्तों अपनी, जो आप जो पाना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो ना, उसको चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। अर्थात जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, अपनी आपने वहां तक पहुंचने के लिए इतनी प्रयास करी, इतनी मुश्किलें झेली, उसी प्रकार थोड़ी सी तकलीफ और झेल करके लगातार आगे बढ़ते रहो, और जिस चीज़ को आप पाने चाहते हो उसको कभी मत छोड़ना। अर्थात उसको पाने के लिए अपनी जी जान एक कर देना, लेकिन उस चीज़ को पाना। इसलिए कहा दोस्तों, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। मंजिल आपके सामने है, कभी घबरा करके रास्ते ना मोड़ना। जो भी मन में हो सपना जरूर नहीं तोड़ना, जो भी आपने सपना अपने मन में सोचा उस सपने को कभी मत तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, आपको एक एक कदम पे बाई बाई इंच आपको जरूर मुश्किल मिलेगी, लेकिन कभी भी उन मुश्किलों से घबराना नहीं। बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना, और अपने जो मुकाम तक आप पहुँचे हो उसको चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि जीवन में कि जितने भी मुश्किलें आए, उन सभी मुश्किलों की परवाह ना करते हुए लगातार अपने मुकाम तक आगे बढ़ना, और जो चीज़ आपने अपने मन में ठान रखी है उसको प्राप्त करना। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर, क्लास नंबर 49 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों, हमें त्रिभुज की एक आकृति दे रखी है, सबको दिख रही है दोस्तों, इसी प्रकार की दिक्कत नौ। दोस्तों, चैनल की शुरुआत कर, क्लास की शुरुआत करने से पहले आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें पूरा विश्वास है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे,
तो दोस्तों आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर उस घंटे वाले चिन्ह को क्लिक करके उसे ऑल कर दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों आप हमारी वीडियो को पूरी देखना, शुरू से लेकर के अंत तक उसको वीडियो को पूरी देखना कंटिन्यू लगातार। तो चलते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, हमें विश्वास आप करेंगे हमारे चैनल को। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारे क्वेश्चन पर, क्वेश्चन की रीडिंग कीजिए दोस्तों। त्रिभुज पूछ रहे हैं हमें, त्रिभुज के एक आकृति दे रखी है दोस्तों, चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है और हमें यह पता लगाना है दोस्तों कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। दोस्तों मैंने आप लोगों को त्रिभुज के लिए इतने अच्छे अच्छे ट्रिक बताए थे, इतने अच्छे अच्छे लॉजिक बताए थे कि कोई भी बंदा आपको कैसा भी त्रिभुज दे दे उसको सोल्व करने में आपके लिए ये सिर्फ चुटकियों का काम है। आप सेकंडों में सोल्व ना कर दे तो मेरा नाम बबलू सैनी नहीं। आप दोस्तों एक एक क्वेश्चन को इस प्रकार सोल्व करेंगे चुटकियों में, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, मिनटों का काम आप सेकंडों में कर दोगे। सेकंडों में क्या, उससे भी कोई 1% सेकंड मान लो उसको आप कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं स्वयं नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को आपको ही करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए इतने लॉजिक बताया है कि त्रिभुज का क्वेश्चन किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को करना है। मैं पहला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देता हूँ, और दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को करना है और यह पता लगाना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। इतने लॉजिक, इतने अच्छे अच्छे तरीके से लॉजिक बताया था दोस्तों मैंने आपको कि कैसा भी क्वेश्चन दे दे बंदा लेकिन कभी छोड़ना नहीं। इसमें ऐसे ऐसे लॉजिक बता रखे हैं कि आप को इनको एक एक त्रिभुज को ढूंढना है कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों ये आपके होमवर्क के लिए है, पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। यूँ मत सोचना दोस्तों कि सर ने, शायद सर को आता नहीं है, सर ने पहला क्वेश्चन ही होमवर्क के लिए दे दिया। नहीं दोस्तों ऐसी बात नहीं है, यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप स्वयं कर लेना। लेकिन हम तो आपके भले के लिए कर रहे हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है या होमवर्क के लिए दे रहे हैं। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर लेना जैसे हमने आपको लॉजिक बता रखे हैं, आपने हमारी वीडियो पिछली देखी होंगी, इतने अच्छे अच्छे लॉजिक बताए थे कि त्रिभुज का कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आप एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ सकते, चाहे कैसे भी घुमा करके दे दे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा त्रिभुज का। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को करना है आपके होमवर्क के लिए, और आप इस क्वेश्चन को कर लेना दोस्तों। हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि दोस्तों आज हमारी YouTube पर क्लास 50 तक अपलोड हम हो जाएंगे। दोस्तों 50 तक क्लास अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों हमने हमारे रीजनिंग के सेशन को शुरू से पढ़ाने का निर्णय लिया है। हम दोस्तों कल से अब हमारे बैच को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। 50 वीडियो तक दोस्तों हमने आपको मिक्सर पढ़ाए थे, जिसमें रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब उसमें मिक्सर आए थे। जैसे श्रेणी का क्वेश्चन दे दिया, रक्त संबंध, दिशा दूरी, त्रिभुज, सब एक साथ मिक्सर के क्वेश्चन थे दोस्तों ये, जिसमें हमने आपको 50 वीडियो तक हमने आपके लिए मिक्सर के क्वेश्चन किए थे दोस्तों। 50 क्लास हमने मिक्सर की डाली थी कि जिससे विद्यार्थियों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों कल से हम हमारे बैच को प्रारंभ कर रहे हैं, कल से हम आपको रीजनिंग के पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे। दोस्तों जो रीजनिंग के जितने भी पॉइंट हैं, दिशा, दूरी, दिनांक, जिससे भी संबंधित जितने भी पॉइंट हैं, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट रीजनिंग पढ़ाएंगे। दोस्तों हमारी क्लास कम से भी कम दोस्तों 1 घंटा या 1.5 घंटे के आसपास हमारी क्लास बनेगी रीजनिंग की। और दोस्तों सुबह हमारी क्लास पर डे की एक क्लास डालेंगे, और दोस्तों हमारी क्लास सुबह यूट्यूब पर अपलोड होगी।
दोस्तों 8 बजे हमारी 8 बजते ही हमारी क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। 8 बजे हमारी क्लास यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी दोस्तों। जो भी व्यक्ति या जो भी बंदा हमारी वीडियो देखना चाहता है वो देख सकता है। कल से हमने हमारा सेशन स्टार्ट कर दिया है दोस्तों रीजनिंग का। कुछ विद्यार्थी ने हमें कमेंट्स किए थे कि सर हमें मिक्सर पढ़ा रहे हो आप, अच्छी बात है सर, लेकिन सर हमें कंटिन्यू चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट आप हमें पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाइए। तो दोस्तों हमने भी यही सोचा था कि हमारी क्लास 50 तक बच्चों को पढ़ा करके हम हमारे बैच को फिर से शुरुआत करेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे। तो कल से दोस्तों हमारी क्लास स्टार्ट है। कल हम यूट्यूब पर सुबह हमारी 8 बजे क्लास अपलोड कर दी जाएगी। अभी दोस्तों लाइव पढ़ाने के लिए हमारे पास अभी भी कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए हम आपको डाउनलोड क्लास डाल सकते हैं। जिस दिन हमारे पास लाइव का सेटअप बैठ जाएगा उस दिन हम आपको लाइव भी पढ़ाएंगे। दोस्तों कल से हमने हमारी स्टार्ट कर दिया रीजनिंग का बैच पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाने का। और दोस्तों 8 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास अपलोड हो जाएगी। जो भी व्यक्ति हमारी वीडियो देखना चाहता है, रीजनिंग पढ़ना चाहता है, वो पढ़ सकता है। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर, क्लास नंबर 49 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझ रहे हैं दोस्तों, अगर मेरी बात उचित लगे तो मेरा समर्थन जरूर करना, जरूर देना। तो देखिए दोस्तों रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। दोस्तों एक कक्षा है जिसमें कुल कितने विद्यार्थी है, 33 विद्यार्थी है। एक एक कड़ी खोल के समझाऊं दोस्तों क्वेश्चन की, 50 वीडियो तक मैंने एक एक क्वेश्चन को इस प्रकार से समझाया है कि देने वाला पर्सन किसी भी प्रकार से दे दे आप उस क्वेश्चन को कभी भूल नहीं सकते। आप याद करोगे कि एक सर थे जिन्होंने हमको इस प्रकार से पढ़ाया था और उन्होंने इस प्रकार से क्वेश्चन को समझाया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए थे, उनके ऐसे इस प्रकार से लॉजिक बताए थे कि सामने वाला कैसे भी क्वेश्चन दे दे लेकिन उस क्वेश्चन को हम छोड़ नहीं सकते। तो देखिए दोस्तों एक कक्षा है जिसमें कुल कितने विद्यार्थी है दोस्तों, 33 विद्यार्थी है। ओके दोस्तों आगे देखिए दोस्तों इसमें दे रखा है रमेश 33 विद्यार्थी एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। दोस्तों ऊपर से नीचे तक मान लो या बायां से दायां मान लो, पंक्ति में मान लो, किसी प्रकार से मान लो, जिसमें दोस्तों शुरू से अंत के बीच में, मतलब शुरू से लेकर के जो रमेश है वो 13वें स्थान पर है शुरू से। आगे देखिए दोस्तों श्रेणी के अनुसार नीचे से ऊपर से लिए, तो ऊपर से रमेश 13वें स्थान पर, नीचे से सुरेश के नीचे 5 व्यक्ति है या 5 विद्यार्थी है। तो दोस्तों हमें यह बताना है रमेश और सुरेश के बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। आपके क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आ गए दोस्तों, फिर यदि मैं क्वेश्चन को और भी अच्छी तरीके से समझा दूंगा तो फिर आपके क्वेश्चन करने का कोई महत्व नहीं रहेगा दोस्तों। यदि मैंने आपको पूरे क्वेश्चन खोल के, ऐसे तो मैंने क्वेश्चन पूरे खोल के समझाया है, यदि और मैं पूरे खोल के समझा दूंगा तो फिर आप भी दोस्तों ऐसे बोलेंगे कि सर थे जिन्होंने पूरा क्वेश्चन ही समझा दिया, हमको समझने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन समझाया है कि आपके अच्छे प्रकार से आ गई भी होगी ना, तो आप हमारे बारे में कुछ कहेंगे कि सर ने इस प्रकार से समझा के गए हैं, आप इस प्रकार बोले सरकार इस प्रकार से समझा के गए हैं कि हमारे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई, सरकार ने हमको क्वेश्चन भी समझा दिया और हमारे अच्छी तरीके समझ में आ गई और हमने हमारा दिमाग लगा करके उसको सोल्व कर दिया। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गई दोस्तों कि रमेश और सुरेश के बीच में कुल कितने विद्यार्थी, हमें यह पता लगाना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है, आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए और पता लगाइए कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है जो कि सुरेश और रमेश के बीच में। करिए दोस्तों सुरेश और रमेश के बीच में कुल कितने व्यक्ति है ये हमें पता लगाना है।
चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, एक प्रकार से ध्यान देना दोस्तों, आप सभी की निगाह बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन की रीडिंग की थी कि रमेश 35 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 13वें स्थान पर। सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों आप सभी की नज़र बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, नज़र इस तरफ उस तरफ मत घुमाना, और मेरी बात उचित लगे तो मेरा समर्थन जरूर करना। देखिए दोस्तों, कुल विद्यार्थी है कक्षा में 33। यहाँ तक आपकी समझ में आ गए दोस्तों। आगे देखिए, रमेश 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से दोस्तों इसे एक कक्षा मान लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है दोस्तों, 33 विद्यार्थी है, ये कुल विद्यार्थी हो गए। हमें दे रखा है दोस्तों आगे कि रमेश 35 विद्यार्थी कक्षा में 13वें स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक रमेश का स्थान है दोस्तों 13वां। यहाँ तक आपके समझ में आ गए दोस्तों। आगे दे रखा है कि श्रेणी के अनुसार सुरेश के नीचे से, नीचे कह लो दोस्तों या फिर दायां भाग कह लो, यहाँ से सुरेश के नीचे से दोस्तों नीचे 5 व्यक्ति है। यहाँ तक आपकी समझ में आ गई। आगे देखिए दोस्तों, तो रमेश और सुरेश के बीच में कितने व्यक्ति है दोस्तों, रमेश और सुरेश के बीच में हमें पता लगाना है कि इसके मध्य और इसके मध्य कुल कुल व्यक्ति कितने हैं। तो देखिए दोस्तों दोस्तों शुरू से यहाँ तक रमेश का स्थान कौन सा, 13वां है। ओके दोस्तों, पीछे से देखिए दोस्तों, पीछे से सुरेश, यहाँ तक रमेश को आगे देखिए, अब सुरेश के पीछे कितने व्यक्ति है दोस्तों, 5 व्यक्ति है। तो देखिए दोस्तों, कुल व्यक्ति 33 है, शुरू से रमेश का स्थान 13वां है, सुरेश के पीछे 5 व्यक्ति है दोस्तों, इसमें प्लस के 5 काउंटिंग करेंगे। एक प्रकार से ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि हमें बीच के याद करने हैं, बीच के कुल व्यक्ति कितने हैं। तो देखिए दोस्तों, हम रमेश के और सुरेश के पीछे जितने व्यक्ति है इनको दोनों को जोड़ देंगे तो, और उनको हम 33 में घटा देंगे, मतलब इनको जोड़ करके 33 में घटाएंगे। देखिए कुल व्यक्ति है और यहाँ पर 13 है और यहाँ पे इसके पीछे 5 है, इन दोनों को जोड़ के 33 में से घटा देंगे तो हमारा राइट आंसर नहीं आएगा दोस्तों, आएगा ना, क्योंकि ये कुल व्यक्ति है, कुल व्यक्ति है और इन दोनों को काउंटिंग करेंगे तो हमारे बीच के व्यक्ति आ जाएंगे, कुल कितने व्यक्ति है। आपके समझ में आ गई, अब मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन समझा दिया तो आपने मुझसे पहले क्वेश्चन ना किया ना तो आपका नाम बदल जाएगा, आप मुझसे पहले इसे करना है दोस्तों, तो आपने साथ कर भी दिया होगा, इतने यहां तक मैंने आपको समझाया उससे पहले। तो देखिए दोस्तों आगे देखिए, शुरू से रमेश का स्थान है दोस्तों 13वां, सुरेश के पीछे कुल 5 व्यक्ति। तो देखिए दोस्तों, 13 और 5 होते हैं 18, यहां तक आपकी समझ में आ गई। अब हमें करना है दोस्तों मध्य ज्ञात, कुल कितने व्यक्ति, टोटल व्यक्ति कुल कितने हैं दोस्तों कक्षा में, 33 है। अब देखिए दोस्तों, 33 में से 18 को घटाएंगे, 33 में से 18 गए थे दोस्तों, कितने बचे, 15 बचे, और 15 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें बताया कि सुरेश और रमेश के बीच में कितने व्यक्ति है दोस्तों, 15 व्यक्ति है, 15 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, हमने आपके इस क्वेश्चन के एक एक चीज़ को अच्छी प्रकार से खोल के समझाया है, किसी प्रकार की वो नहीं किया। कहते हैं ना कि कुछ विद्यार्थी ऐसे कहते हैं दोस्तों कि कुछ इस तरह ऐसे होते हैं जो कुछ समझाते नहीं है, दोस्तों एक एक चीज़ खुल के समझाई है, किसी भी प्रकार की ऐसी गलती ना की है कि आपको कुछ समझाया नहीं हो। तो दोस्तों आपके अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि एक निर्देश दे रखा है,
अब निर्देश में क्या दे रखा है दोस्तों हमें कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य है दोस्तों, बताने का तात्पर्य, क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, इसके तात्पर्य ये है कि हमें दोस्तों संख्याएं दे रखी है, चार ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। अरे हमें यह पता लगाना है दोस्तों इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों यहाँ तक है बस, नीचे ऑप्शन है, हमें यह पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों, हमने इनके लिए आपको ट्रिक भी बताए थे किस प्रकार से होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को करिए, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकेंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, यदि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, क्वेश्चन की रीडिंग की थी, लुप्त अंक पूछ रहा है क्या करते हैं कुल कितने, कि मतलब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों चार ऑप्शन हमारे सामने है, क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। मेरी बात उचित लगे तो मेरा समर्थन जरूर करना। दोस्तों हमने आपसे बलाल फिलहाल में ट्रिक की बात की थी कि ट्रिक इसके लिए क्या ट्रिक होते हैं। तो देखिए दोस्तों ट्रिक इस प्रकार से होती है कि जिस तरफ बड़ी संख्याएं होती है उसी तरफ इसको सोल्व करने का प्रयास किया जाता है, ज़्यादातर ज़्यादातर, ऐसे नहीं कह रहा हूँ दोस्तों हमेशा के लिए नहीं, ज़्यादातर। तो देखिए दोस्तों इसको दो प्रकार से सोल्व करते हैं, एक सोल्व करते हैं दोस्तों इस तरफ, एक सोल्व करते हैं नीचे की तरफ। यदि नीचे की तरफ करेंगे दोस्तों इस प्रकार से करेंगे, बगल में लेंगे दोस्तों इस प्रकार से करेंगे। अब दोस्तों नीचे की तरफ बड़ी संख्या है, हम इसको नीचे की तरफ भी सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार जो है, मेरी बात उचित लगे मेरा समर्थन जरूर करना, अरे आप सभी की नज़र हमारे बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है दोस्तों, तीन को तीन से गुणा, तीन तिया नौ। आगे देखिए दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, नौ को तीन से गुणा 27। आगे क्या है दोस्तों, 27 को तीन से गुणा 81। यहाँ तक आपकी समझ में आ गई दोस्तों, तो दोस्तों 81 आ गई राइट है। आगे देखिए दोस्तों, अब दोस्तों 6 को क्या है, तीन से गुणा। आगे दोस्तों 6 से 18 को क्या है, तीन से गुणा 18 से 54। आगे क्या है दोस्तों, 54 को तीन से गुणा 4 से 12 को दो हासिल किए, 5 से 15 16 162। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी 162 है। अब यहाँ पर यहाँ तक आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी दोस्तों, यदि जो ही जो लॉजिक दोस्तों इन दोनों में लगे हैं वही लॉजिक लगा के हम प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करेंगे कौन सी संख्या आई। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले करेंगे हम 7 को 3 से गुणा, 7 से 21। दोस्तों आपकी समझ में आ तो रही है ना, परेशानी नहीं है। तो देखिए दोस्तों आगे देखिए दोस्तों, हम करेंगे 21 को 3 से गुणा 61 63। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर आ गए 63। अब हमें यह पता लगाना दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ गए 63। अब हमें यह पता लगाना है कि इसमें 63 आ सकते हैं नहीं आ सकते, हमारा ऑप्शन राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमको क्या करना है, 63 को करना है 3 से गुणा। देखिए दोस्तों 63 को करेंगे 3 से गुणा, 3 से 9 और 6 से 18 189। यहाँ पर 189 है, तो दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 63 आएगी, और 63 हमारा राइट आंसर है, और 63 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, तो परेशानी की बात नहीं। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, देखते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें दोस्तों एक श्रृंखला दे रखी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और हमें मालूम करना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, पहले दोस्तों आप हमें ये बताइए कि इसके लिए ट्रिक कौन कौन से हैं। जब कभी भी श्रृंखला का क्वेश्चन दिया जाए तो इसके लिए ट्रिक कौन कौन से होते हैं। चलो आपने पता होगा आपको, अच्छी बात है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम आपको फिर से बता रहे हैं कि कैसा भी क्वेश्चन दे दे श्रृंखला का, किसी प्रकार से कैसे भी दे दे, लेकिन इसके लिए हम आपको जो ट्रिक बताएंगे कभी भी मत भूलना दोस्तों। ट्रिक नंबर फर्स्ट है, देखिए दोस्तों ठीक प्रकार से, ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि जब कभी भी संख्याएं पास पास में दी हुई हो, पास पास में दी हुई हो, तो उनके बीच में कुछ भी नहीं करना दोस्तों। क्या देखना हमें, अंतर देखना है, अंतर देखना है। अंतर भी किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, 40 और 70 है, अब इसके बीच में अंतर देखना है कि कितना अंतर है इसके बीच में। और आगे अच्छी प्रकार से खुल के समझा दूंगा तो मैं सेंकेट नहीं दूंगा, उससे पहले तो उत्तर ही बता देंगे। तो दोस्तों टीचर की जो बच्चों को समझाने की जो सीमा होती है दोस्तों इतनी होती है कि बच्चों को इस प्रकार से समझा दिया जाए कि बच्चे के क्वेश्चन समझ में भी आ जाए और बच्चे उस क्वेश्चन को कर भी सके, जिससे बच्चा दो टीचर के ऊपर इस प्रकार का दोष ना दे कि सर पूरे क्वेश्चन समझा गए, उत्तर सर ही बता गए, फिर दोस्तों हमारा कोई महत्व नहीं हुआ इस प्रकार से समझाने का। तब इस प्रकार से समझाएंगे आपको जिससे आपको आप स्वयं भी क्वेश्चन कर लो, कर सकते हो, और आप अपना मस्तिष्क अपना दिमाग का प्रयोग भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट नियम है कि जब संख्याएं पास पास दी हो तो क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। और जब दोस्तों नियम नंबर सेकंड है, जब संख्याएं दूर दूर होती है तो क्या करते हैं, बताइए दोस्तों क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी श्रृंखला का क्वेश्चन दे दे कभी मत छोड़ना, जब संख्याएं पास पास दी हो तो अंतर देखते हैं, संख्या दूर दूर दी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो भी बंदा अलग से लॉजिक लगा सकता है वो उसके लिए है, ये तो और भी अच्छी बात है। यदि अलग से लॉजिक लगाया तो हमें कमेंट्स कर देना, इसके लिए हम और भी फिर उस लॉजिक को और भी अच्छी तरीके से सोल्व करने का प्रयास करके हम आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों ये दो लॉजिक कभी मत भूलना, जब संख्याएं पास पास दी हो तो अंतर देखते, जब संख्याएं दूर दूर दी हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। जो बंदा इन लॉजिक को समझ गया तो कभी भी श्रृंखला का क्वेश्चन उसका कभी गलत जा ही नहीं सकता, ये हमको गारंटी लेता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए, हमने आपको अच्छे प्रकार से समझा दिया, इसके लिए मिलेंगे आपको मात्र 20 सेकंड। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना राइट है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, पहले दोस्तों हमने क्वेश्चन की रीडिंग की थी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या पहुंच रहा है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, पहले तो दोस्तों हमें संख्या देख क्या कह रखी है ये देखना है, संख्या दे रखे हमें 40, 70, 130, 220, हर क्वेश्चन वाचक चिन्ह। तो दोस्तों पहले आप हमें ये बताइए कि संख्याएं पास में है या दूर है, दूर है संख्याएं, दूर है, क्या बात है, मौज कर दी दोस्तों आपने, तो संख्याएं दूर लग रही है हमें, तो दोस्तों देखने से ऐसे लग रही है कि संख्या में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। संख्याएं जब दूर मानते हैं हम दोस्तों कि हाँ यहाँ पर 50 दे दे रखे हैं, वहाँ पर 300 दे दिए, इस प्रकार हम संख्या को दूर मानते हैं। आपको संख्याएं दूर लग रही है, लग रही है, कुछ विद्यार्थी संख्याएं दूर लग रही है, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर ये संख्याएं दूर है इनको आप मल्टीप्लाई करो, तो जैसा आपकी इच्छा है दोस्तों हम भी वही भी काम करेंगे, जैसे आप कह रहे हो मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों मेरी बात उचित लगे तो मेरा समर्थन जरूर करना। देखिए दोस्तों संख्याएं पास पास है, 40, 70, 130, 220, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं संख्या, इनके बीच में हम क्या लेंगे दोस्तों, अंतर लेंगे। देखिए दोस्तों 40 और 70 के बीच में अंतर कितने का, अंतर का मतलब होता है कि आगे की संख्या से पीछे की संख्या को घटाना, तो 70 में से 40 घटाएंगे तो दोस्तों कितने बचे, 30 बचे, इसके बीच में अंतर आ गया।
आगे देखिए दोस्तों, 70 और 130 के बीच में कितने का अंतर है? कितने का अंतर है दोस्तों? 60 का अंतर है। आगे देखिए दोस्तों, 130 और 200 के बीच में कितने का अंतर है? कितने का दोस्तों? 130 और 200 के बीच में, 220 के बीच में। देखिए दोस्तों, 70 इसमें बच गए और 70 और 20 90, 90 के बीच में दोस्तों इसमें अंतर है। अब देखिए दोस्तों आगे, दोस्तों यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 90 है। तो देखिए दोस्तों, 30 और 60 के बीच में अंतर देखेंगे 30 का है, 60 और 90 के बीच में अंतर देखेंगे 30 का है। दोस्तों यहाँ पर भी 30 का अंतर है, यहाँ पर 30 का अंतर है, तो आगे भी 30 का अंतर आएगा। अब देखिए दोस्तों, 60 में 30 जोड़ने पर 90 है, उसी प्रकार 90 में 30 जोड़ेंगे दोस्तों 120 आएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब 220 में से 190 को काउंटिंग करेंगे, 220 प्लस, नहीं दोस्तों, 220 में 120 काउंटिंग करेंगे, 120। तो देखिए दोस्तों, शून्य की शून्य, दो दो चार, दो एक तीन, कितने हो गए दोस्तों? 240। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 240 आएगी। वह 340, तीन दो एक तीन, 340 हो गए। 340 हमारा राइट आंसर हो गया। और 340 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गए दोस्तों श्रृंखला का क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें एक आकृति दे रखी है, आकृति में हमें अंक दे रखे हैं, और दोस्तों इनको सोल्व करके हमें यह पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। और दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप स्वयं इस क्वेश्चन को कीजिए, और दोस्तों यह क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर लेना। हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम ALP में आया था ये क्वेश्चन। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन को कर लेना। हम आपको फिर से बताना चाहते हैं दोस्तों कि YouTube पर हमारी क्लास 50 तक अपलोड कर दी जाएगी आज। कल से हम हमारा रीजनिंग का फिर से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट बाई पॉइंट आपको पढ़ाने का। जो भी व्यक्ति हमारी रीजनिंग पढ़ना चाहता है, तो हमारे चैनल का नाम है दोस्तों, इसमें से जगह नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, बबलू रीजनिंग क्लासेज बांधी हुई, ये हमारे चैनल का नाम है दोस्तों। यदि आपको इस नाम से सर्च करने से नहीं निकलता है, तो एक नाम बताता हूँ, उसे ज़रूर निकलेगा दोस्तों, और वो नाम ये है दोस्तों, हमेशा याद रखना, बबलू सैनी @786। इस नाम से आप YouTube पर हमारा चैनल सर्च करना रीजनिंग का, ये सर्च में आ जाएगा। तो दोस्तों कल से हम हमारे बैच स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी YouTube पर जो वीडियो है दोस्तों वो सुबह 8 बजे YouTube पर अपलोड कर दी जाएगी। प्रत्येक वीडियो कम से कम दोस्तों 1 घंटे या 1.5 घंटे की बनेगी, जिसमें हम आपको एक एक चीज़ को इस प्रकार से बताएंगे, बिल्कुल हम अब लो से चलेंगे, तो खुल खुल के एक एक चीज़ को समझाएंगे। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर लेना, ये आपके होमवर्क के लिए। तो हम चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में। यदि दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाई गई रीजनिंग आपके समझ में आ रही है, तो हमारे चैनल को लाइक करिए,
आपको अब तक दोस्तों किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि वो क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया गया हो या नहीं पढ़ाया गया हो, या किसी कोई और क्वेश्चन हो किसी और टीचर ने दिया हो, तो आपको जिस प्रकार का भी क्वेश्चन सोल्व कराना हो, आपसे नहीं आ रहा हो, तो आप हमारे पास कमेंट्स कर देना। कमेंट्स बॉक्स में हम आपके क्वेश्चन को देख लेंगे दोस्तों और क्वेश्चन को सोल्व करके आपको फिर से समझा देंगे। तो किसी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर देना। और दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। अंत में दोस्तों आप जाने से पहले, हम पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। मुझे आपके ऊपर पूरा 100% विश्वास है कि आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों घंटी वाले चिन्ह को क्लिक कर देना और उसे क्लिक कर दे ऑल कर देना। ऑल अर्थात सभी, जिससे हमारी आने वाली जो प्रत्येक वीडियो उसकी नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहेगी दोस्तों। और दोस्तों हमारी वीडियो को अंत तक देखना जरूर ना भूलना, हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो हम चलते हैं दोस्तों, हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में। लिख देते हैं दोस्तों यहां पर, आपके याद रहेगा। चल रीजनिंग बैच प्रारंभ, वीडियो सुबह। तो हम चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, आप इस क्वेश्चन को कर देना। तो ओके दोस्तों, चलते हैं दोस्तों।